हाँ, स्कूल में कैसे समस्याएं हैं फिलहाल, वो जो पानी को लेकर आपके यहाँ समस्या? पूरा टपक रहा है सर दोनों रूम। हाँ, बरामदा में भी मतलब वो है, किचन भी मतलब वो है। हाँ, बैठने के लायक जगह ही नहीं है, पानी टपक रहा है। तो उच्च प्राथमिक शाला में हम लोग शिफ्ट किए हैं अभी बच्चों को। तो ये जो सामने और बना दिख रहा है, नींव खुदा हुआ है, वो ये पंचायत के माध्यम से बनने का था, 5 साल हो गया, फिर उठा हुआ है थोड़ा सा, उसके बाद फिर वो छोड़ दिया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के नाम पर शासन करोड़ों रुपए लुटा रही है, लेकिन स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का बैठने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। यहाँ पर ग्राम पंचायत खूट डोबरा में इसी प्रकार देखने को मिला, जहाँ पर पानी के रिसाव के चलते पूरे रूम में पानी भर जाता है, जिसके चलते स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे बरामदा में पढ़ाई करते हैं या फिर बाहर निकल के पढ़ाई करते हैं। सर इसके लिए सर हम सविनियस एस्टिमेट बनवा के जहाँ जहाँ दीवार क्रैक है या जो पानी टपा रहा है, उसको फोटो खींच के हम ब्यासी में जमा कर दिए हैं। विगत 3 साल हो गया है, और अभी 20 तारीख की बैठक में भी बताया कि बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है, बच्चों को बैठने में समस्या आ रही है, तो कैसे करेंगे। तो ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं इस वीडियो को देखने वालों से अपील करना चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इस बिल्डिंग की मरम्मत की जाए या फिर इस ग्राम पंचायत में नई बिल्डिंग की सौगात दी जाए। संबंधित अधिकारी का लैंडलाइन ऑफिस नंबर है 07786242001। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।